गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं रेडी हूँ एक और राइड करने के लिए। आज मैं जा रहा हूँ चमेरा डैम और वहां से सीधा पालनपुर चला जाऊंगा। सो गाइस अभी निकलते निकलते टाइम हो गया 9:24। मैंने ऑलरेडी अपने लगेज बाइक पे लगा दिए हैं, सो चलते हैं गाइस। रात को जाना था मुझे बेनीखेत तक था, बट वो ज्यादा बारिश थी तो मैंने यहाँ होम स्टे ले लिया। सो आज एक और नया प्लान बन गया कि चमेरा डैम घूमते हुए जाऊँ वापस। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो गाइस ये देखो, अपने लगेज बाइक पे मैंने लगा दिए हैं और बाइक ऑन कर दी है थोड़ा सा इंजन गर्म करने के लिए। और जिस होम स्टे में मैं रुका था, ये है श्रीराम होम स्टे, ये है कोटी में। सो गाइस यहाँ मैंने रात बिताई अपनी। और वेदर है तो थोड़ा बादल बादल ही हैं, पर बीच में धूप भी है। सो होप कि आज बारिश ना हो। चलते हैं, मैप लगाता हूँ मैं। गाइस चमेरा डैम है यहाँ से 15 किलोमीटर, 29 मिनट का रास्ता है यहाँ से। कल रात तक मेरा कोई प्लान नहीं था चमेरा डैम का। प्लान जो बना वो मॉर्निंग में बना आज। और गाइस पिछले कल सचपास की राइड पे कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया। बहुत ज़्यादा हैवी स्नो फॉल हुआ और मैं फंस गया था। थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे नीचे तक पहुँचने में। गाइस एक ब्रिज भी दिखाया है आगे। ये मेरा चंबा राइड का लास्ट एपिसोड है। इस राइड पे बहुत फन किया, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर किए और एडवेंचर किया। सो गाइस ये देखो, यहाँ से डैम पूरा दिखने लगा है, पानी भी स्टोर हो रखा है, पूरा दिख रहा है। ये जो डैम दिख रहा है, ये है चमेरा वन। गाइस बाइक में फ्यूल भी लगाना पड़ेगा, फ्यूल कम है और पता नहीं आगे पेट्रोल पंप कितनी और दूर है। पीछे पेट्रोल पंप दिखा था बट उनके पास में पेट्रोल नहीं था। सो देखते हैं आगे कितनी दूर मिलता है पेट्रोल पंप। तो मैं पहुंच गया हूँ जहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। अंदर हेलो भाई, मैंने बाइक अपनी पार्क कर दी है इधर। सो गाइस चलते हैं, डैम के पास जा रहा हूँ। ये देखो इसमें लिखा है वेलकम टू तलेरू। ये जो है चमेरा पावर स्टेशन बन है। सो चलते हैं गाइस आगे, जब बोटिंग होती है। ये यहाँ का जो टिकट काउंटर है जहाँ बोटिंग के लिए टिकट ले सकते हैं आप। ये देखो ये है चमेरा डैम जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। यहाँ बोट्स भी हैं, जा सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको स्पीड बोट में जाना है तो 500 रुपया आपको पे करना होगा। 8 मिनट की राइड के लिए 500 रुपया। नो डिस्काउंट फॉर चिल्ड्रन ऑन स्पीड बोट। ओके, मोटर बोट के पर पर्सन 400 और चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स स्मॉल ट्रिप 300। ये इसके चार्जेस वगैरह इन्होंने लिखे हुए हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं कर ले बोटिंग करूँगा अभी। सो जो नीचे हैं मैडम हैं, उन्होंने बोला कि रुको, वो आ रहे हैं ऊपर। इधर टिकट काउंटर से पहले टिकट लेनी पड़ेगी, फिर लाइफ जैकेट पहननी है, फिर आगे जाना पड़ेगा। छोटी बोट ही जाएगी ना मैम, स्पीड बोट तो कहीं दिख नहीं रही। अच्छा ये बड़े वाली जो ओपन वाली है, ओपन वाली जाएगी। ठीक है, मैं खुद ही लेके चला जाऊँ। सो गाइस थोड़ा सा महंगा सौदा है, अकेला जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है तो अभी बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप वेट कर लेंगे थोड़ा सा तो कोई ना कोई आएगा, तो मेरे को फिर वो जायज़ पैसे पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं। नहीं तो अकेले बंदे को अगर लेके जाएंगे तो 1000 रुपीज़ मांग रहे हैं। मैंने बोला उनको कि तब तक मैं चाय पानी पी लेता हूँ, जब तक कोई आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे, है ना। सो चलो भाई चाय पीते हैं, कुछ खाने को भी मिल जाएगा तो खा लूँगा। सो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो गाइस अभी मैंने ऑर्डर की है मैगी खाऊँगा और साथ में पीऊँगा चाय। तब तक किस्मत रहेगी तो नीचे कोई आ जाएगा तो बोटिंग करूँगा। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ स्पीड बोट में, टूरिस्ट आए हुए हैं कुछ, तो उनके साथ चला जाऊँगा।
राइड हो गई कंप्लीट गाइस, मजा आ गया भाई। सो गाइस राइड करने का तो बहुत मजा आया, बहुत फन राइड थी भाई साहब। पूरा लिटा दे रहे थे बोट को, पूरा लीन कर रहे थे, हार्ड पोर्ट और हार्ड स्टावर कर रहे थे। सो चलते हैं। तो गाइस यहाँ से देखो चमेरा डैम को, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। चमेरा डैम के जो हैं टोटल 3 डैम हैं यहाँ पे रावी नदी पे, ये सबसे बड़ा है उनमें से। ये जो चमेरा डैम जो है वो NHPC के अंदर आता है, NHPC जो है इसको ऑपरेट करती है। सो चलते हैं अभी, और आज कैसे भी करके घर पहुँचना मुझे वापस। सो एक बार फिर से नज़ारे देख लो, बोट अभी गई है स्पीड बोट एक। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ पालनपुर के लिए, और यहाँ से तकरीबन 5 घंटे लगने वाले हैं, 170 किलोमीटर है। और ये मैंने छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है चमेरा डैम पे, आई होप आप सभी इसे पसंद करेंगे। और गाइस अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ आप सभी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।